प्रदेश भर की 10 सीटों पर उपचुनाव की तैयारी में समाजवादी पार्टी जुड़ी हुई है। 6 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री मौजूदा विधायक मनोज पारस बुधवार को कुनरकी विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने मान्यवर काशीराम के परिनिर्वाण दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान लोगों ने उनसे उपचुनाव को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में उपचुनाव लड़ेगी, सभी सीटों पर जीत दर्ज कराएगी। हमारे कार्यकर्ता जमीन स्तर पर चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। जैसे ही उत्तर प्रदेश में चुनाव की घोषणा होगी, हम पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतर जाएंगे। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जयवीर यादव ने कहा, मुरादाबाद समाजवादी पार्टी का गढ़ है, यह हमेशा समाजवादी पार्टी जीती है, इस बार भी समाजवादी पार्टी की ही जीत होगी। पूर्व मंत्री जुगल किशोर वाल्मीकि ने कहा कि एक एक कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आदेश पर पूरी लगन के साथ उपचुनाव को जिताने के लिए मेहनत करेगा। हम सभी सीटों पर जीत दर्ज करने जा रहे हैं। कार्यक्रम जिला पंचायत सदस्य राहुल पाशा के नेतृत्व में आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हाजी गुलजार अहमद, कमरे अलाम सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम जो था आज 9 अक्टूबर में माननीय काशीराम जी की जयंती का प्रोग्राम भी था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पूरे यूपी में मनाया गया ये। और इसके अलावा जो कुंदरकी में उपचुनाव है उसके बारे में चर्चा होनी थी कि भाई कुंदरकी में उपचुनाव है। देखो कुंदरकी में जो टिकट मांग रहा है तो कुछ प्रत्याशी ऐसे भी है जिनका क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विरोध है, वो सब सामने आ ही रहा है ना। तो इसलिए हमने कहा था भाई ये क्षेत्र में प्रत्याशी का विरोध है, अगर इत्तेफाक से किसी ऐसे प्रत्याशी को भी अगर टिकट दे दिया, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम है, तो फिर किसका नुकसान, पार्टी को ना होना चाहिए। हम लोगों को पार्टी को देखना चाहिए। क्षेत्र में हमारे दो दो लोकसभा सांसद हैं, विधायक हैं, जिला अध्यक्ष है। अगर प्रत्याशी वैसा प्रत्याशी नाराजगी है तो आप दूसरे लोगों से काम ले सकते हैं, क्योंकि मुरादाबाद जिला तो समाजवादी का गढ़ है, कहीं भी काम ले सकते हैं। तो इस उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई है यहाँ पे कुंदरकी के, और सभी लोगों ने आज जो है ये मतलब इसके लिए तैयार हुए हैं कि भाई हम सब लोग सब गिले शिकवे भूल के कुंदरकी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को लड़ाने का काम करेंगे। और जो कुछ प्रधान हैं, डीलर हैं, वो बेचारे अपनी प्रधानी बचाने, डीलर अपने कोटा बचाने, वो जा सकते हैं अपना चेहरा दिखाने, लेकिन जनता को उनसे कोई मतलब नहीं, जनता समाजवादी पार्टी के साथ। आज देखिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश अनुसार पूरे प्रदेश के अंदर माननीय काशीराम जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। उसी क्रम में हमारे समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य वरिष्ठ नेता हैं राहुल पासा जी, वो उन्होंने भी एक कार्यक्रम यहाँ रखा था उनके काशीराम जी की पुण्यतिथि पर। और समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है, उन्दर की विधानसभा के चुनाव बस जिस दिन डिक्लेयर हो जाए और प्रत्याशी की देरी है, बाकी तो पूरा सब लोगों की तैयारी है। पूरा हमने सेक्टर विधानसभा बूथ सब बना रखे हैं, और समाजवादी पार्टी का गढ़ है ये, समाजवादी पार्टी हमेशा यहाँ से जीती है। और आपने देखा होगा चाहे 2024 का चुनाव हुआ, उससे पहला चुनाव हुआ, लगातार समाजवादी पार्टी का यहाँ मार्जिन बढ़ता रहा, प्रत्याशी कोई भी रहा हो, प्रत्याशी जो भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव में प्रत्याशी घोषित करेंगे, सब समाजवादी पार्टी के जितने भी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, सब लोग मिलजुल कर लड़ाएंगे। और समाजवादी पार्टी के हम कुंदर की विधानसभा से कम 20 से 25 प्रत्याशियों ने आवेदन कराया, पर सब लोग एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी को यहाँ से कुंदर की जो उपचुनाव है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को चुनाव जिता के देंगे, और हमेशा समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, समाजवादी पार्टी जीती है, और इस बार भी हम भारी बहुमत से जीतने